नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 12 चैप्टर आपके ख़त्म कर चुके हैं। 12वां चैप्टर था आपका इंटरनेट तथा इसकी सेवाओं के बारे में। इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। याद रखिए, आपके कंप्यूटर सामान से संबंधित आपके हम लोग 14 से 15 आपके इस तरह के अध्याय खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग आपके 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। ये सभी मॉक टेस्ट होंगे जो 25 से 30, ये आपके 1 डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो आपके चैप्टर हैं 14 से 15, ये आपके लिखित परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। जहाँ लिखित परीक्षा में पूछते हैं आंसर राइटिंग में, वहाँ इससे आप लोग कवर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपके 1 डे एग्ज़ाम जैसे SSC, रेलवे हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे कंप्लीट कंप्यूटर GK किस नाम से, जो आपकी क्लास बनी हुई है, प्ले लिस्ट सूची उसी में डली हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हर प्रकार के कार्य करता है, सर्व अगोपनीय। इसलिए हम अपने सिस्टम को व्यक्तिगत व सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि कोई अवैध उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल गलत ना कर सके और कोई वायरस भी सिस्टम को क्षति ना पहुंचा सके। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या फिर IT सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या फिर IT सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी का एक शाखा है, जिसे खासकर कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे कंप्यूटर सिस्टम तथा डेटा जिसे ये स्टोर एक्सेस करते हैं की सुरक्षा होती है। और सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें आपका पहला है सिस्टम एक्सेल कंट्रोल। ये एक ऐसी प्रणाली है जो किसी कंप्यूटर में डेटा का उपयोग या उसके कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करती है। आमतौर पर एक उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर में लॉगिन करता है, जिसके पश्चात एक्सेस कंट्रोल तय करता है कि उस उपयोगकर्ता के लिए कौन सा डेटा पहुंच में होना चाहिए और कौन सा नहीं, ठीक है। ये आपका सिस्टम एक्सेस कंट्रोल का काम है। दूसरा है आपका डेटा एक्सेस कंट्रोल। कोई भी डेटा कोई नियंत्रित कर सकता है, इस बात की निगरानी इस कंट्रोल के तहत की जाती है। सिस्टम के किसी भी व्यक्ति विशेष फाइलों तथा अन्य किसी भी ऑब्जेक्ट्स की सुरक्षा के स्तर पर आधारित होकर ही एक्सेस नियमों को बनाता है। फिर आपका सिस्टम तथा सिक्योरिटी प्रशासन। इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया का निष्पादन होता है, जिससे कोई भी सिस्टम या तो सुरक्षित बनाया जाता है या फिर उसकी सुरक्षा को तोड़ा जाता है। फिर आपका सिस्टम डिजाइन। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की बुनियादी सुरक्षा की विशेषताओं से लाभ लेती है, ठीक है, सिस्टम डिजाइन। अब बात करते हैं कंप्यूटर सुरक्षा के घटकों के बारे में। कंप्यूटर सुरक्षा कई प्रकार के कोर क्षेत्रों से संबंधित होती है। कंप्यूटर सुरक्षा सिस्टम के बुनियादी घटक इस प्रकार हैं। गोपनीयता, किसी भी जानकारी या डेटा के अन्य अवैध व्यक्ति द्वारा एक्सेस न होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है गोपनीयता के। दूसरा है आपका नॉन रेपुडिएशन। मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से ना इनकार कर दे, इस प्रकार की सुनिश्चितता को गैर प्रत्याख्यान नॉन रिपुडिएशन कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग प्रमाणीकरण। यह कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की वैध अवैध होने की सुनिश्चित करता है। फिर आपका एक्सेस कंट्रोल, जिस उपयोगकर्ता को जिन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त हो, वह केवल उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी सुनिश्चितता को एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। फिर आपका उपलब्धता। क्या है उपलब्धता?
सभी सिस्टमों के कार्य करने की प्रणाली का सही होना या किसी भी वैध उपयोगकर्ता को सेवाएं देने से ना मना करना, इस बात को उपलब्धता के नाम से जाना जाता है। कूट लेखन, किसी सूचना को छिपाकर या फिर गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कूट लेखन कहा जाता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर डेटा संचरण के दौरान डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कूट लेखन में सामान्यतः प्रयोग होने वाले तत्व। प्लेन टेक्स्ट, यह इनपुट के रूप में दिया जाने वाला ओरिजिनल संदेश होता है। साइफर, यह बिट बाय बिट या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जिसमें संदेश का अर्थ नहीं बदलता है। साइबर टेक्स्ट, यह कोडेड संदेश या इनक्रिप्टेड डेटा होता है जिसे उपयोगकर्ता सीधे नहीं पढ़ सकता है। इनक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। इसके तहत एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। फिर आपका डिक्रिप्शन, यह इनक्रिप्शन प्रक्रिया का रिवर्स होता है, अर्थात इसमें साइबर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। स्टेनोग्राफी, संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। यह डेटा की गोपनीयता तथा एकीकरण में मदद करता है। फिर आपका एकीकरण, यह सुनिश्चित करता है कि सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार बदला तो नहीं गया कि उसे वैध उपयोगकर्ता भी ना पहचान सके। एकीकरण कंप्यूटर सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। अब हम बात करते हैं साइबर आक्रमण के स्रोत, सोर्सेस ऑफ साइबर अटैक। कंप्यूटर पर मुख्य रूप से सक्षम या तथा भेद हमलावर वायरस प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस का एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है तथा कंप्यूटर ऑपरेशनों में भी हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार की आक्रमण के स्रोत जैसे आपका डाउनलोडिंग, क्या है, डाउनलोडेबल प्रोग्राम। डाउनलोडेबल फाइल्स वायरस का सबसे प्रमुख तथा संभव स्रोत है। किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे गेम स्क्रीन सेवर इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम को इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने से पहले प्रत्येक प्रोग्राम को स्कैन करना आवश्यक है। फिर आपका क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर वायरस अटैकों के अन्य स्रोत हैं। इस प्रकार के क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में वायरस तथा बग्स के होने की संभावना अत्यधिक होती है जिन्हें ढूंढकर सिस्टम से दूर करना बेहद कठिन है। इसलिए इंटरनेट से सूचनाओं को किसी भी विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करना चाहिए। फिर आपका ईमेल अटैचमेंट्स, ये अटैचमेंट वायरस के मुख्य स्रोत हैं। इन ईमेल अटैचमेंट को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। फिर आपका इंटरनेट, सभी कंप्यूटर के यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम पर वायरस अटैक से अनभिज्ञ होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध क्लैप या डाउनलोड इत्यादि तथ्य ही वायरस के फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर आपकी अज्ञात सीडी से वोटिंग करना, जब भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा होता है तो उस समय कंप्यूटर में पड़ी सीडी का निकाल लेना ही ठीक माना जाता है। यदि हम कंप्यूटर में से सीडी नहीं निकालते हैं तो यह स्वतः ही डिस्क में बूट होने लगती है जिससे वायरस अटैक की संभावना आपकी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए खतरा, मालवेयर। मालवेयर का अर्थ होता है द्वेषपूर्ण दुष्ट सॉफ्टवेयर। ये उस प्रकार के प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप है जिनका प्रमुख कार्य होता है कंप्यूटर को हानि पहुंचाना, जैसे वायरस, वार्मर्स, स्पाईवेयर इत्यादि। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों का विवरण इस प्रकार है। वायरस वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये आपके पीसी पर कंट्रोल हासिल करके उनसे असामान्य व विनाशकारी कार्यों को करवाते हैं। वायरस स्वतः ही अपने आप को सिस्टम में कॉपी कर लेते हैं
वे आगे संक्रमण हेतु अन्य प्रोग्राम के साथ ही स्वतः ही जुड़ जाते हैं। वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से जैसे अब बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरिया, फाइल्स तथा अन्य एप्लीकेशंस, प्रोग्राम इत्यादि को क्षति पहुंचा सकते हैं। कुछ सामान्य प्रकार के वायरस आपके निम्नलिखित हैं, जैसे इसमें आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस, यह वायरस किसी भी फाइल में होता है और जब उस फाइल का उपयोग किया जाता है तब यह वायरस स्वयं को क्रियान्वित कर देता है। यह वायरस केवल उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिनके फोल्डर फाइल पथ पर वर्णित होते हैं। उदाहरण के लिए विन्ना वायरस, ओवरराइट वायरस, यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा व सूचनाओं को डिलीट कर देते हैं। उदाहरण के लिए वे ट्राइविल 88D इत्यादि। फिर आपका बूट सेक्टर वायरस, इसे मास्टर बूट सेक्टर्स वायरस या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहा जाता है। यह सामान्यतः कंप्यूटर के बूट्स अप होने पर फैलता है क्योंकि यह वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क की मास्टर बूट रिकॉर्ड के बूट सेक्टर में होता है। NTEXE। फिर आपका मैक्रो वायरस, ये केवल उन्हीं एप्लीकेशंस तथा प्रोग्रामों का संक्रमित करता है जिन्हें .doc, .xls, .pppsइत्यादि मैक्रोस होते हैं। उदाहरण के लिए melissa.a। फिर आपका फाइल सिस्टम वायरस, यह किसी भी फाइल के डायरेक्टरी पथ को बदलकर मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ कर देता है। इसे क्लस्टर वायरस या फिर डायरेक्टरी वायरस भी कहते हैं। उदाहरण के लिए DIR सेकंड वायरस। फिर आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस, यह जब भी किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार इनकोड या फिर इनक्रिप्ट करता है। इस प्रकार वायरस की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार हो जाती है। उदाहरण के EL करण और टोरेग। फिर आपका फैट वायरस, यह फाइलों की लोकेशन व अपयोगित मेमोरी स्थान के बारे में सभी प्रकार की जानकारियों को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है, जैसे लिंक वायरस। फिर आपका वेब स्क्रैपिंग वायरस, यदि वेबसाइट में रोचक सूची को डालने के लिए कठिन कोड का इस्तेमाल होता है या इन्हीं कोड्स को संगमित करता है। उदाहरण के लिए j.s.fortnite। फिर आपका मल्टी पार्टाइट वायरस, यह वायरस कई तरीकों से फैलता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर, उदाहरण के लिए फ्लिप इत्यादि। फिर आपका रिजिडेंट वायरस, यह अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है और खुलने वाले सभी फाइलों को प्रभावित करता है। यह रैम में छुपा होता है तथा दोषपूर्ण कोड के निष्पादन के बाद भी वहीं रहता है। उदाहरण के लिए रेंडेक्स मेव। ठीक है, कुछ आपकी कंप्यूटर वायरस के निम्नलिखित हैं नाम। 1971 में आपका कीपर, 1982 में आपका इल्के क्लोनर, 1988 में द मॉरिस इंटरनेट फॉर्म, 1999 में मिलिसा, 2000 में आपका आई लव यू, 2002 में कोड रेड, 2003 में SQL स्लीमर, 2003 में ब्लास्टर, 2005 में रेम, 2004 में सेट थोड़ी, 2010 में स्टेप्स नेट, 2011 में ट्रोजन, 2012 में रोडकिट, 2014 में जेनेरिक PUC, 2014 में नेटफॉर्म। इस तरह की आपकी कुछ महत्वपूर्ण हैं। ठीक, और करेंट अफेयर्स से जुड़े रहिए जो भी आते हैं। फिर आपका बॉम्ब्स, कंप्यूटर बॉम्ब एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटरों में अपने आप को फैलाने के लिए कॉपी करता है। बॉम्बर्स को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि ये आदेश फाइलों के रूप में होते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क में बिड विड्थ को नेट करके भी क्षति पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए वेगल, आई लव यू, मोरिस, निमदा सॉफ्टवेयर है, याद रखिए आई लव यू। ठीक है, फिर आपका ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का नॉन सेल्फ
रिफ्लेक्टिंग मालवेयर है जो किसी भी इच्छित कार्य को पूरा करते हुए व्यतीत होता है। फ्रेय उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। ये कंप्यूटर वायरस की भांति अपने आप को दूसरी फाइलों में सम्मिलित करने का प्रयास नहीं करता है। ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट चलित एप्लीकेशनों द्वारा टारगेट कंप्यूटरों पर पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए वेस्ट सब 7 जियोस जीरो एक्सेस रोट किट, फिर आपका स्पाईवेयर यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होता है जो सिस्टम के मालिक की सभी गतिविधियों की निगरानी तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाले सभी जानकारियों को एकत्रित करता है। इनका प्रयोग हम कानूनी या गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। स्पाईवेयर व्यक्ति का सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से संचरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोल वेब सर्च जंगो की लॉगर्स जलॉब ट्रोजन इत्यादि। बात करते हैं वायरस के प्रभाव। कंप्यूटर व वायरस विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। वायरस के प्रकारों पर निम्न होते हैं। वायरस के प्रकार पर निर्भर होते हुए कुछ वायरस के प्रभाव इस प्रकार हैं। उपयोगकर्ता के कार्य की निगरानी करना, कंप्यूटर की दक्षता को कम करना, लोकल डिस्क पर उपस्थित सभी डेटा को नष्ट करना, कंप्यूटर नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्शन को प्रभावित करना, मेमोरी के आकार को बढ़ाना या घटाना, विभिन्न प्रकार की त्रुटि संदेशों को डिलीट करना, पीसी सेटिंग्स को बदलना, अनचाहे एडवाइजरी की एरे को डिस्प्ले करना, बूट टाइम को बढ़ाना इत्यादि। ठीक है, बात करते हैं मालवेयर दोष के लक्षण क्या होते हैं। किसी भी सिस्टम के मालवेयर द्वारा प्रभावित होने को निम्न लक्षणों द्वारा समझा जा सकता है। ईमेल संदेशों को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, कुछ फाइलों का खो जाना, सिस्टम का धीरा चलना, पीसी क्रैश होकर बार बार रीस्टार्ट होना, माउस के पॉइंटर का ग्राफिक बदलना, ड्राइव्स का प्रवेश योग्य ना होना इत्यादि, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वित या इंस्टॉलेशन ना होना। यहाँ आपके कुछ शब्द दिए गए, इन्हें भी देख लीजिए। साइबर बुली, यह एक व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति को ऑनलाइन विभिन्न तरीके जैसे स्पैमिंग बदनाम करना या पीड़ित की नकारात्मक नकल करना से पीड़ित करता है, उसे साइबर बुली कहते हैं। ईगो सर्फर, वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध स्वयं से या किसी और से जुड़ने के लिए जानकारी एकत्रित करता है। फ्लेमर, यह वो व्यक्ति है जो किसी फॉर्म या इंटरनेट मैसेज बोर्ड पर निम्न स्तरीय या बेइज्जती से भरी हुई टिप्पणी लिखता है, उसे फ्लेमर कहते हैं। ग्रेफर, ऑनलाइन गेम का एक खिलाड़ी जो दूसरे खिलाड़ियों को परेशान करता है, उसे ग्रेफर कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कुछ अन्य खतरे। अब पहला है आपका स्पूफिंग, अनाधिकृत डेटा को उसके अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को स्पूफिंग कहते हैं। यह नेटवर्क पर विभिन्न संसाधनों को एक्सेस करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आईपी स्पूफिंग भी इसका एक प्रकार है। फिर आपका सलामी तकनीक, इसके अंतर्गत सिस्टम द्वारा संभाली गई धन जराशि के एक बड़े हिस्से से छोटे हिस्से को अलग किया जाता है। तीसरा है आपका हैकिंग। क्या है हैकिंग? नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकिंग DOS डिनियल ऑफ सर्विसेज अटैक का परिणाम भी हो सकता है। यह कंप्यूटर के सभी संसाधनों को वैध यूजरों द्वारा इस्तेमाल करने से दूर रखती है। इस प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को हैकर कहते हैं। क्रैकिंग, यह कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है। इसमें पासवर्ड क्रैकर, ट्रोजन्स, वायरसेज, वायर डायलर इत्यादि सम्मिलित होता है। फिर आपका फिशिंग, कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड,
डिटेल्स इत्यादि सम्मिलित हैं। यह एक प्रकार का इंटरनेट फ्रॉड धोखा है जिसमें उपयोगकर्ता को बहकाकर उसके सभी क्रेडेंशियलों को प्राप्त कर लिया जाता है। स्पैम, यह एक प्रकार से मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है जिसके अंतर्गत अनचाही संदेशों को ईमेल के रूप में भेजा जा सकता है। एडवेयर, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखाता है। इसे अधिकांशतः अनचाहे एडवर्टाइजमेंटों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका रूट किट्स, यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रितता प्राप्त की जाती है। वाइस की जानकारी किसी को भी नहीं होती। रूट किट्स को निकालना बेहद मुश्किल होता है तथा कभी कभी पूर्णता ऑपरेटिंग सिस्टम के पुनः इंस्टॉलेशन को भी आवश्यकता होती है इसमें। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित खतरों का समाधान। कंप्यूटर सिस्टम को अवैध उपयोगकर्ता से बचाने के लिए अभी तक कुछ सुरक्षा उपाय बचाव बनाए गए जो कि आपके लिए निम्न है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, स्पाइवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाना होता है इनका कार्य। इसमें वेब प्रोग्राम भी सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य वायरस या फिर अन्य मालवेयर को ढूंढकर ख़त्म करना है, जैसे अवस्थी हो गया, AVG हो गया, कास्परच हो गया, सेमेंटिक हो गया, MCP हो गया इत्यादि। आपके कुछ लोकप्रिय एंटी वायरस होते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, यह सिग्नेचर हस्ताक्षर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है या डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को भी सुनिश्चित करता है। जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तब आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। फिर आपका फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आधारित हो सकता है जो नेटवर्क को सुरक्षित रखने में सहायता प्रद होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग तथा आउट गोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डेटा पैकेट्स विश्लेषण द्वारा नियंत्रित करता है। फायरवॉल में प्रॉक्सी सर्वर के साथ कार्य करना या सम्मिलित होना भी उल्लेखनीय है ताकि वह नेटवर्क की सभी जरूरतों को वर्क स्टेशन यूजर्स के लिए पूरा कर सकें। फिर आपका डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे प्रेषित किया गया था व इसे किसने प्रेषित किया था इत्यादि जानकारियों इसमें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ जानकारियाँ। प्रॉक्सी सर्वर को प्रॉक्सी अथवा एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। यह उपयोगकर्ता एवं सर्वर के मध्य कार्य करता है या नेटवर्क के सही एड्रेस को छिपाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले सभी संदेशों को इंटरसेप्ट करता है। फिर आपका एप्लीकेशन गेटवे, यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है। इन विशिष्ट एप्लीकेशंस में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट सेवाएं इत्यादि सम्मिलित हैं। टाइम बम, यह सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो किसी विशेष समय पर सक्रिय होता है। फिर आपका लॉजिक बम, यह एक कोड होता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है जो कि अनुकूल परिस्थितियों के मिलते ही हानिकारक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। ये कोड अपनी नकल तैयार करने में भी सक्षम नहीं होते हैं। फिर आपका पेचस, यह सॉफ्टवेयर का एक ऐसा भाग है जिसे उस सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए बनाया जाता है। छदम वेश, इसमें हमलावर वैध उपयोगकर्ता होने का अभिनय करता है व अवैध रूप से विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है। फिर आपकी निगरानी रखना, इसमें हमलावर संचरित होने वाले संदेशों के कंटेंट की निगरानी करता है। पासवर्ड, यह एक प्रकार का गोपनीय शब्द है या फिर कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है जिसे उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता की पहचान
या एक्सेस स्वीकृति को सत्यापित किया जा सके और संसाधनों के एक्सेस को प्राप्त किया जा सके। पासवर्ड के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, एक आपका कमज़ोर पासवर्ड, इन्हें आसानी से याद किया जा सकता है, जिसमें आपका नाम, जन्मदिवस, फ़ोन नंबर हो गया। दूसरा मजबूत, ये अल्फ़ाबेट और संकेतों का कॉम्बिनेशन, जिसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने नेट बैंकिंग में इस तरह के पासवर्ड देखे होंगे, ठीक, मजबूत पासवर्ड। फिर है आपका फाइल एक्सेस परमिशन। अधिकांश रूप से वर्तमान फाइल सिस्टम में अनुमति को प्रदान करने के कई तरीके या अधिकार होते हैं, जिन्हें केवल कुछ खास उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ताओं का ग्रुप ही एक्सेस कर सकता है। ये तीन विशेष अनुमति है। अनुमति निम्न है, रीड परमिशन, यदि आपको किसी फाइल को रीड करने की अनुमति है तो आप सिर्फ उसमें कंटेंट्स को देख ही सकते हैं। राइट परमिशन, या उपयोगकर्ता को फाइल के कंटेंटों को रिमूव या उसमें बदलाव इत्यादि करने की अनुमति देता है। एग्जीक्यूट परमिशन, या उपयोगकर्ता को फाइल को मात्र क्रियान्वित करने की अनुमति देता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए, इन्हें भी देख लीजिए। वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इस तरह की आपके वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला बूट सेक्टर पीसी वायरस ब्रांड नाम का था, जिसकी पहचान 1986 में की गई थी। पेलोड, एक बॉम्ब के रूप में तैयार किया गया ये कोड है, जिसका डिजाइन बॉम्ब से भी बड़े पैमाने पर प्रसार के उद्देश्य किया गया। क्रीपर, वर्ष 1971 में BBN टेक्नोलॉजीज पर बॉम थॉमस द्वारा लिखित एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग वायरस प्रोग्राम था। इल्के क्लीनर, पहले ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जो इन दी वर्ल्ड में पैकेट पिकट करने के लिए बनाया गया था। गैमिया वायरस, रिमूवेबल फ्लैश ड्राइव के माध्यम से प्रसारित होता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस आपका हैप्पी बर्थडे जोशी था। कौन सा? हैप्पी बर्थडे जोशी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल TLS, एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित HTTP कनेक्शन प्रदान करता है व गोपनीयता और डेटा इंटीग्रिटी के साथ संवाद करने के लिए दोनों पार्टियों को सक्षम करता है। नोब, एक नया या आप प्रशिक्षित व्यक्ति जो वेबसाइट के नियमों को नहीं जानता है, उसने हाल ही में ज्वाइन किया हो, नूब कहलाता है। ट्रॉल, वह व्यक्ति जो फॉर्म पर चैटिंग के दौरान किसी की कॉपी, मेमिक्री करके या किसी अन्य कार्य से बदनामी करता है, ट्रॉल कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका 13वां चैप्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे शब्द संक्षेप के बारे में, ठीक है।